दोस्तों, जीवन में लोग कैसे खुश रहते हैं तो वीडियो को बगैर भगाए पूरा जरूर देखिएगा कि इस डॉक्टरी के तौर तरीका और सब बीमारी के बारे में आप लोगों को उचित जानकारी जो है वो मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मर्दाना ताकत बनाने के लिए क्या खाना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। दोस्तों, इसका सही आंसर है मर्दाना ताकत बनाने के लिए मीट, अंडा, घी, फल, दूध इत्यादि का सेवन करते रहना चाहिए। इससे मर्दाना कमजोरी जो है वो दूर होती है और सेहत जो है वो अच्छा बन जाता है। दोस्तों, सवाल नंबर 2, आदमी की शरीर कमजोर क्यों हो जाता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप तक डायरेक्ट मिले। दोस्तों, इसका सही आंसर है भोजन अच्छा ना रहना आदमी कमजोर हो जाता है और कम उम्र में भटक जाता है। इसीलिए दोस्तों, अच्छा से अच्छा भोजन करना चाहिए और स्वस्थ शरीर रहता है। सवाल नंबर 3, मुंह में फोड़ा फुंसी क्यों निकलता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि डॉक्टरी के बारे में आप लोगों को उचित जानकारी हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है ज़्यादा गर्म सामान खाने के कारण, जैसे कि तेल, मसाला, अंडा, ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा खाने से मुंह में फोड़ा फुंसी निकलता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग ठंडा सामान ही खाएं। सवाल नंबर 4, शुगर वाले को कौन सा एक चीज़ कभी नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है शुगर वाले आदमी को मीठा, चिवड़ा, दही एक साथ कभी भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। इससे पेट में गैस बनता है, गैस बनने के कारण आदमी जो है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सवाल नंबर 5, ज़्यादा देर तक कहाँ पर नहीं रहना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप तक डायरेक्ट मिले। दोस्तों, इसका सही आंसर है धूप में नहीं रहना चाहिए ज़्यादा देर तक, क्योंकि तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है तो पैसा जो है वो सब लग जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास में जरूर कीजिएगा मेरे भाई। थैंक यू दोस्तों।